हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनसेंसर्ड। तो आज हम बात करेंगे सिविक सेंस फॉर क्लीनिनेस के बारे में। गवर्नमेंट इज नॉट द ओनली वन टू बी ब्लेम फॉर दिस डर्ट। ये डर्ट गवर्नमेंट ने नहीं, हमने किया है, हम लोगों ने, अरुणाचल के लोगों ने। हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही ब्लेम करेंगे या फिर हमारा एज अ सिटीजन हमारा भी रिस्पॉन्सिबल बन रहा है कि हम अपने आप को साफ रखें, अपने कॉलोनी को साफ रखें, अपने सोसाइटी को साफ रखें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं लोगों का क्या व्यू है इसमें। लेट्स गो। आपको क्या लगता है हम लोग का अरुणाचल यहाँ पे कैपिटल कॉम्प्लेक्स में इतना गंदगी क्यों है? प्रॉपर मेंटेनेंस और ये खुद पे भी डिपेंड करते हैं। इतना सिविलाइज नहीं हुआ अपना आप लोग ना, जिसके कारण से ये सब हो रहा है ना। वैसे मतलब हम लोग खुद ही है, हाँ, मेन रीजन तो वही है जो कि अपना मेंटेन नहीं करता है। पब्लिक लोग का ऊपर में है, अपना आपको साफा रखना है तो अपना आपको पहले साफा रखना पड़ेगा, तो उसके लिए गंदा हो रहा है। गंदगी का कारण तो ह्यूमन ही है। गंदगी कारण एनिमल तो कभी गंदगी करता नहीं, तो ह्यूमन ही लितर करता है हर जगह। अभी आप इसमें भी देख लीजिए, यहाँ भी जहाँ कचरा नहीं पड़ना चाहिए वहाँ कचरा पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इंसान लोग ही है गंदा है। तो मेन बात जो कॉलोनीज म्यूनिसिपल एरिया है, जो स्पेशली इटानगर एरिया का, उसको अच्छी तरह जगह बनाई है। जो जाम स्वच्छ भारत का जहाँ डस्टबिन रखा जाए वहाँ फेंकना चाहिए, जहाँ जरूरत है वहाँ लाना चाहिए, नई नदी में नहीं फेंकना चाहिए, ना कि आपका कॉलोनी का रोड साइड में नहीं फेंकना चाहिए। सही जगह फेंकने से क्लीनिनेस एकदम इम्प्रूव होना चाहिए। इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लोग कुछ थोड़ा इनिशिएट लेके कुछ करने से हो पाएगा। अदरवाइज तो खुद भी इंडिविजुअली कितना तक करेगा ना। मैं भी बहुत सारे एन जी ओ लोग देखता हूँ, एन जी ओ लोग भी आके इतना सारा कुछ कर देते हैं, पर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग ही खुद इनिशिएट लेके हेल्प नहीं करेगा तो कुछ हो नहीं पाएगा। सामान लोग जहाँ तक फेंक देते हैं, कौन लोग? यहाँ का पीपल लोग ना, हम लोग खुद लोग फेंक देते हैं। साफ सफाई से अच्छा से फेंकना चाहिए। हम डस्टबिन है वहाँ में अच्छा से फेंक देना चाहिए। डस्टबिन वो भी बना गवर्नमेंट लोग बना देना चाहिए, सही साइड में रख देना चाहिए। ये लोग खुद से जहाँ तक फेंक देते ना कचरा को ना, ऐसे रास्ता पे जहाँ तक फेंक देते तो ना, तो उसका वजह से वो पॉल्यूशन ऐसे पूरा बढ़ते, गार्बेज ऐसे पूरा गंदगी फेंकते हैं। क्योंकि ये लोग खाने का बात फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंकते, इसलिए ऐसे उसके बाद ये लोग गंदा से रखते ना, आज से नहीं रखते। अपना आप से साफ सुथरा रखना चाहिए, इसलिए जो इसका कारण से पूरा गंदा है। हम लोग साफ सफाई नहीं रखते, साफ सुथरा नहीं रखते। साफ सुथरा को लेके कुछ भी इम्पोर्टेंट है ही नहीं ना, उसके बाद कोई भी मतलब फॉलो करता ही नहीं है ना साफ सुथरा को लेके। देखिए ना ये सर गंदगी है पूरा, देखिए पूरा गंदगी ना। कुछ सुधरना, कुछ समझना है, ऐसे क्यों कर रहे हैं? अपना खुद का कितना वायरस फैला रहे हैं वो सब सोचना है। हम लोग का यहाँ का लोग कुछ सोचते ही नहीं, इसको तो क्या बोलेगा गवर्नमेंट लोग, क्या मालूम होगा गवर्नमेंट लोग साफ सफा नहीं करता है तो ओ ये हम लोग तो क्या बोलेगा। हम लोग आम आदमी बोलने से भी वो मानता ही नहीं, और जितना धनी दौलत हाई पाई वाला वो एक बात बोलने ही मानता है। हम लोग क्या कर सकेगा, क्या बोल सकेगा, इससे हो गया। इसका रीजन यही होगा सब लोग सफा से रहना जहाँ तक फेंक दिया तो मार्केटिंग। अरुणाचल का लोग का सोच गंदे, ये तो गंदा जहाँ देखिए कचरा फैला देता है, जहाँ फेंक देता है, मन मर्जी करता है। आपको क्या लगता है ये जो गंदगी है वो हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट को ही ब्लेम करना चाहिए इसको? गवर्नमेंट में सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी प्रॉब्लम है और खुद मेंटेनेंस नहीं करते। तो सही है, ये बात तो सही है, ये तो हम लोग का अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर गवर्नमेंट हम लोग को जैसे ये स्वच्छ भारत का बारे ये सब हम लोग अप्लाई कर दिया तो हम लोग को भी अपना ऊपर होता है कि हम लोग भी किस तरह से फॉलो करना है। आई डोंट थिंक सो, गवर्नमेंट को हम लोग को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये चीज हम लोग खुद वॉलंटियरली, अगर हम लोग खुद नहीं करेगा तो इक्विपमेंट देने से भी उससे कुछ नहीं होगा, तो हम लोग को इस चीज के लिए खुद से करना पड़ेगा। नहीं नहीं, गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम करें? गवर्नमेंट सिर्फ कैसे ब्लेम होगा, वो तो सब पब्लिक का ऊपर में है। हम लोग भी खुद को साफा रखना है, सब इंडिविजुअल सब लोग को ये करना है, ओनली गवर्नमेंट को नहीं बोलना है ना, अपना से सब लोग सफाई रखना है। नहीं नहीं, इसमें तो कोई गवर्नमेंट को कोई ब्लेम करने का नहीं है, बिकॉज एज पर माई नॉलेज अर्बन डिपार्टमेंट तो बहुत कोशिश कर रहा है अपना तरफ से। 100% पब्लिक का ही गलती है, मेरा पर्सनल पब्लिक का ही गलती है। गवर्नमेंट का सिर्फ नहीं, ये सबसे पहले तो सिटीजन लोग अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी रखना चाहिए कि गंदा नहीं करना है। और सबसे पहले गवर्नमेंट का सबसे फर्स्ट ड्यूटी ये होना है कि हर एक जगह में डस्टबिन रहना चाहिए। डस्टबिन तो रख देते पर हम लोग खुद का गलती है कि कोई उठा के ले जाते हैं। गवर्नमेंट को भी ब्लेम इतना फोर्स नहीं कर देना चाहिए ना कि उसे करो, कुछ से सफा बेचो, फिर गवर्नमेंट को अगर खुद नहीं बेच सकते तो गवर्नमेंट को भी बोल के फायदा ही नहीं है। गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते ना, हम लोग खुद का आदमी ये गार्बेज ऐसे फैलाते तो हम लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना तक हम लोग बोलेगा गवर्नमेंट को, अपना कुछ भी करना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, लेकिन उसका साथ में हम लोग का भी, सिटीजन का भी, हम लोग का भी हक बनता है कि हम लोग साफ सुथरा बैठना चाहिए और साफ सुथरा रहना चाहिए। हम लोग का आदमी स्पेशली मेंटेन नहीं करता है कि कहीं में थूकता है, कहीं में डस्टबिन जगह में डस्टबिन को देख के डस्टबिन को जगह में नहीं फेंक देता, रास्ता में ऐसे सड़क पर फेंक देता है, उसका कारण से गंदा ही होता है। गवर्नमेंट को बोल के कुछ फायदा नहीं है, देखिए स्वच्छ भारत तो कर देते हैं, तो अपना खुद ही गंदा फेंक रहे हैं, तो गलती किसने, हम लोग ही कर रहे हैं। इसका ये गवर्नमेंट लोग अच्छा रास्ता में देखा नहीं, तो हम लोग आम आदमी लोग पब्लिक लोग भी साथ देगा सफा होने के लिए, कुछ करने के लिए ना। अरे गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, खुद का तो रेस्पॉन्सिबल है, जब खुद ही ठीक होगा तब तो गवर्नमेंट अच्छे से कर देगा। आपको क्या लगता है कि यूएसए जैसे कंट्री, फॉरेन कंट्रीज इतना साफ है, इंडिया ऐसे नहीं है, ऐसे क्यों? हम लोग का यहाँ का रहने लगा मेंटेलिटी का ऊपर है। तो इंडिया में कारण तो वही, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब मालूम है आबादी है, हम लोग यहाँ में इतना कंजेस्टेडली रहता है। सबसे पहले तो यहाँ में ओवर पॉपुलेशन है, 1.2 बिलियन का पॉपुलेशन है, तो उसमें ऑब्वियसली इधर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल कर पाएगा। मेन जो हम लोग का क्राउड की वजह से, उसका वजह से ज्यादा गंदा ही ज्यादा होता है। यहाँ का आदमी लोग ही ऐसे मतलब गंदा बंदा रहता है। इंडिया में पहला बात तो गरीबी ज़्यादा है, तो लोग भी साफ सुथरा से रहता नहीं है, इधर उधर में कचरा फैला देते हैं, फिर गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है इसमें। सही बात, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। ये कचरा देखिए, ये ड्रेन है, ये ड्रेन है, पर कचरा तो पूरा भरा भरा हुआ है इसमें, वो भी कचरा देख सकते हैं आप, पूरा प्लेट्स है, पानी ब्लॉक हो रहा है यहाँ, आप जैसे कि देख सकते हैं पूरा ड्रेनेज का पानी ब्लॉक हो रहा है धीरे धीरे, और जैसे ही ये सामान, ये कचरा और भी बढ़ता जाएगा, ये ड्रेन फुल्ली ब्लॉक हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ में फिर से रास्ते में पानी आना शुरू हो जाएगा, और फिर हम कहेंगे गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, पर ये गवर्नमेंट नहीं, ये हम है जो गंदगी फैला रहे हैं, ये हम है जो यहाँ में गंदगी फेंक रहे हैं। हमें समझना होगा कि ये गंदगी गवर्नमेंट ने नहीं फैलाया है, ये हमने फैलाया है, हमने। तो आप साफ रहेंगे तो हम भी साफ रहेंगे, सबको साफ रहना है। इसलिए उसका कारण से गंदा ही होता है। गवर्नमेंट को बोल के कुछ फायदा नहीं है, देखिए स्वच्छ भारत तो कर देते हैं, तो अपना खुद ही गंदा फेंक रहे हैं, तो गलती किसने, हम लोग ही कर रहे हैं। इसका ये गवर्नमेंट लोग अच्छा रास्ता में देखा नहीं, तो हम लोग आम आदमी लोग पब्लिक लोग भी साथ देगा सफा होने के लिए, कुछ करने के लिए ना। अरे गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, खुद का तो रेस्पॉन्सिबल है, जब खुद ही ठीक होगा तब तो गवर्नमेंट अच्छे से कर देगा। आपको क्या लगता है कि यूएसए जैसे कंट्री, फॉरेन कंट्रीज इतना साफ है, इंडिया ऐसे नहीं है, ऐसे क्यों? हम लोग का यहाँ का रहने लगा मेंटेलिटी का ऊपर है। तो इंडिया में कारण तो वही, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब मालूम है आबादी है, हम लोग यहाँ में इतना कंजेस्टेडली रहता है। सबसे पहले तो यहाँ में ओवर पॉपुलेशन है, 1.2 बिलियन का पॉपुलेशन है, तो उसमें ऑब्वियसली इधर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल कर पाएगा। मेन जो हम लोग का क्राउड की वजह से, उसका वजह से ज्यादा गंदा ही ज्यादा होता है। यहाँ का आदमी लोग ही ऐसे मतलब गंदा बंदा रहता है। इंडिया में पहला बात तो गरीबी ज़्यादा है, तो लोग भी साफ सुथरा से रहता नहीं है, इधर उधर में कचरा फैला देते हैं, फिर गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है इसमें। सही बात, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। ये कचरा देखिए, ये ड्रेन है, ये ड्रेन है, पर कचरा तो पूरा भरा भरा हुआ है इसमें, वो भी कचरा देख सकते हैं आप, पूरा प्लेट्स है, पानी ब्लॉक हो रहा है यहाँ, आप जैसे कि देख सकते हैं पूरा ड्रेनेज का पानी ब्लॉक हो रहा है धीरे धीरे, और जैसे ही ये सामान, ये कचरा और भी बढ़ता जाएगा, ये ड्रेन फुल्ली ब्लॉक हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ में फिर से रास्ते में पानी आना शुरू हो जाएगा, और फिर हम कहेंगे गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, पर ये गवर्नमेंट नहीं, ये हम है जो गंदगी फैला रहे हैं, ये हम है जो यहाँ में गंदगी फेंक रहे हैं। हमें समझना होगा कि ये गंदगी गवर्नमेंट ने नहीं फैलाया है, ये हमने फैलाया है, हमने। तो आप साफ रहेंगे तो हम भी साफ रहेंगे, सबको साफ रहना है। इसलिए हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनसेंसर्ड। तो आज हम बात करेंगे सिविक सेंस फॉर क्लीनिनेस के बारे में।
गवर्नमेंट इज नॉट द ओनली वन टू बी ब्लेम फॉर दिस डर्ट. ये डर्ट गवर्नमेंट ने नहीं, हमने किया है, हम लोगों ने, अरुणाचल के लोगों ने. हम क्या हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही ब्लेम करेंगे, या फिर हमारा एज अ सिटीजन हमारा भी रेस्पॉन्सिबल बन रहा है कि हम अपने आप को साफ रखें, अपने कॉलोनी को साफ रखें, अपने सोसाइटी को साफ रखें. तो आइए चलते हैं और देखते हैं लोगों का क्या व्यू है इसमें. लेट्स गो. आपको क्या लगता है हम लोग का अरुणाचल यहाँ पे कैपिटल कॉम्प्लेक्स में इतना गंदगी क्यों है? प्रॉपर मेंटेनेंस और ये खुद पे भी डिपेंड करते हैं. इतना सिविलाइज नहीं हुआ अपना आप लोग ना, जिसके कारण से ये सब हो रहा है ना. वैसे मतलब हम लोग खुद ही है. हाँ, मेन रीजन तो वही है जो कि अपना मेंटेन नहीं करते हैं. पब्लिक लोग का ऊपर में है, अपना आपको साफा रखना है तो अपना आपको पहले साफा रखना पड़ेगा, तो उसके लिए गंदा हो रहा है. गंदगी का कारण तो ह्यूमन ही है. गंदगी कारण एनिमल तो कभी गंदगी करता नहीं, तो ह्यूमन ही लितर करता है हर जगह. अभी आप इसमें भी देख लीजिए, यहाँ भी जहाँ कचरा नहीं पड़ना चाहिए वहाँ कचरा पड़ रहा है. तो कहीं ना कहीं हम इंसान लोग ही है गंदा है. तो मेन बात जो कॉलोनीज म्यूनिसिपल एरिया है, जो स्पेशली इटानगर एरिया का, उसको अच्छी तरह जगह बनाई है. जो जाम स्वच्छ भारत का जहाँ डस्टबिन रखा जाए वहाँ फेंकना चाहिए, जहाँ जरूरत है वहाँ लाना चाहिए. नई नदी में नहीं फेंकना चाहिए, ना कि आपका कॉलोनी का रोड साइड में नहीं फेंकना चाहिए. सही जगह फेंकने से क्लीनलीनेस एकदम इम्प्रूव होना चाहिए. इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा. ये एडमिनिस्ट्रेटिव लोग कुछ थोड़ा इनिशिएट लेके कुछ करने से हो पाएगा, अदरवाइज तो खुद भी इंडिविजुअली कितना तक करेगा ना. मैं भी बहुत सारे एन जी ओ लोग देखता हूँ, एन जी ओ लोग भी आके इतना सारा कुछ कर देते हैं, पर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग ही खुद इनिशिएट लेके हेल्प नहीं करेगा तो कुछ हो नहीं पाएगा. सामान लोग को जहाँ तक फेंक देते हैं यहाँ का पीपल लगना, हम लोग खुद लोग फेंक देते हैं. साफ सफाई से अच्छा से फेंकना चाहिए. हम डस्टबिन है वहाँ में अच्छे से फेंक देना चाहिए. डस्टबिन वो भी बना गवर्नमेंट लोग बना देना चाहिए, सही साइड में रख देना चाहिए. लोग खुद से जहाँ तक फेंक देते ना कचरा को ना, ऐसे रास्ता पे जहाँ तक फेंक देते तो ना, तो उसका वजह से वो पॉल्यूशन ऐसे पूरा बढ़ते, गार्बेज ऐसे पूरा गंदगी फेंकते हैं. क्योंकि ये लोग खाने का वक्त फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंकते, इसलिए ऐसे उसके बाद ये लोग गंदा से रखते ना, अच्छे से नहीं रखते. अपना आप से साफ सुथरा रखना चाहिए, इसलिए जो इसका कारण से पूरा गंदा है. हम लोग साफ सफाई नहीं रखते, साफ सुथरा नहीं रखते. साफ सुथरा को लेके कुछ भी इम्पोर्टेंट है ही नहीं ना, उसके बाद कोई भी मतलब फॉलो करता ही नहीं है ना साफ सुथरा को लेके. देखिए ना ये सब गंदगी है पूरा, देखिए पूरा गंदगी ना. कुछ सुधरना, कुछ समझना ऐसे क्यों कर रहे हैं, अपना खुद का कितना वायरस फैला रहे हैं वो सब सोचना है. हम लोग का यहाँ का लोग कुछ सोचते ही नहीं. इसको तो क्या बोलेगा गवर्नमेंट लोग, क्या मालूम होगा. गवर्नमेंट लोग साफ सफा नहीं करता है तो ओ ये हम लोग तो क्या बोलेगा. हम लोग आम आदमी बोलने से भी वो मानता ही नहीं. और जितना धनी दौलत हाई पाई वाला वो एक बात बोलने ही मानता है. हम लोग क्या कर सकेगा, क्या बोल सकेगा, इससे हो गया. इसका रीजन यही होगा सब लोग सफा से रहना नहीं चाहते, जहाँ तक फेंक देते मार्केटिंग. अरुणाचल का लोग का सोच गंदे, ये तो गंदा. जहाँ देखिए कचरा फैला देता है, जहाँ फेंक देते हैं, मन मर्जी करते हैं. आपको क्या लगता है ये जो गंदगी है वो हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट को ही ब्लेम करना चाहिए इसको? गवर्नमेंट में सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये कई भी प्रॉब्लम है और खुद मेंटेनेंस नहीं करते. सही है, ये बात तो सही है. ये तो हम लोग का अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. अगर गवर्नमेंट हम लोग को जैसे ये स्वच्छ भारत का बारे ये सब हम लोग अप्लाई कर दिया तो हम लोग को भी अपना ऊपर होता है कि हम लोग भी किस तरह से फॉलो करना है. आई डोंट थिंक सो. गवर्नमेंट को हम लोग को ब्लेम नहीं करना चाहिए. ये चीज़ हम लोग खुद वॉलंटियरली, अगर हम लोग खुद नहीं करेगा तो इक्विपमेंट देने से भी उससे कुछ नहीं होगा. तो हम लोग को इस चीज़ के लिए खुद से करना पड़ेगा. नहीं नहीं, गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम करें? गवर्नमेंट सिर्फ कैसे ब्लेम होगा, वो तो सब पब्लिक का ऊपर में है. हम लोग भी खुद को सफा रखना है. सब इंडिविजुअल सब लोग को ये करना है, ओनली गवर्नमेंट को नहीं बोलना है ना, अपना से सब लोग सफाई रखना है. नहीं नहीं, इसमें तो कोई गवर्नमेंट को कोई ब्लेम करने का नहीं है. बिकॉज एज पर माई नॉलेज अर्बन डिपार्टमेंट तो बहुत कोशिश कर रहा है अपना तरफ से. 100% पब्लिक का ही गलती है. मेरा पर्सनल पब्लिक का ही गलती है. गवर्नमेंट का सिर्फ नहीं, ये सबसे पहले तो सिटीजन लोग अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी रखना चाहिए कि गंदा नहीं करना. और सबसे पहले गवर्नमेंट का सबसे फर्स्ट ड्यूटी ये होना है कि हर एक जगह में डस्टबिन रहना चाहिए. डस्टबिन तो रख देते पर हम लोग खुद का गलती है कि कोई उठा के ले जाते. गवर्नमेंट को भी ब्लेम इतना फोर्स नहीं कर देना चाहिए ना कि उसे करो कि कुछ से सभा बेचो. फिर गवर्नमेंट को अगर खुद नहीं बेच सकते तो गवर्नमेंट को भी बोल के फायदा ही नहीं है. गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते ना, हम लोग को खुद का आदमी ये गार्बेज ऐसे फैलाते तो हम लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है. इतना तक हम लोग बोलेगा गवर्नमेंट को अपना कुछ भी करना चाहिए. हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, लेकिन उसका साथ में हम लोग का भी, सिटीजन का भी, हम लोग का भी हक बनता है कि हम लोग साफ सुथरा बैठना चाहिए और साफ सुथरा रहना चाहिए.
हम लोग का आदमी स्पेशली मेंटेन नहीं करता है कि कहीं में टूकता है, कहीं में डस्टबिन जगह में डस्टबिन को देख के डस्टबिन को जगह में नहीं फेंक देता, रास्ता में ऐसे सड़क पे फेंक देता है, उसका कारण से गंदा ही होता है। गवर्नमेंट को बोल के कुछ फायदा नहीं है, देखिए स्वच्छ भारत तो कर देते हैं, तो अपना खुद ही गंदा फेंक रहे हैं, तो गलती किसने, हम लोग ही कर रहे हैं। इसका ये गवर्नमेंट लोग अच्छा रास्ता में देखा नहीं, तो हम लोग आम आदमी लोग पब्लिक लोग भी साथ देगा सफा होने के लिए, खुद करने के लिए ना। अरे गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, खुद का तो रेस्पॉन्सिबल है, जब खुद ही ठीक होगा तब तो गवर्नमेंट अच्छे से कर देगा। आपको क्या लगता है कि यूएसए जैसे कंट्री फॉरेन कंट्रीज इतना साफ है, इंडिया ऐसे नहीं है, ऐसे क्यों? हम लोग का यहाँ का रहने लगा मेंटेलिटी का ऊपर है। तो इंडिया में कारण तो वही, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब मालूम है आबादी है, हम लोग यहाँ में इतना कंजेस्टेडली रहता है। सबसे पहले तो यहाँ में ओवर पॉपुलेशन है, 1.2 बिलियन का पॉपुलेशन है, तो उसमें ऑब्वियसली इधर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल कर पाएगा? मेन जो हम लोग का क्राउड की वजह से, उसका वजह से ज्यादा गंदा ही ज्यादा होता है। यहाँ का आदमी लोग ही ऐसे मतलब गंदा बंदा रहता है। इंडिया में पहला बात तो गरीबी ज्यादा है, तो लोग भी साफ सुथरा से रहता नहीं है, इधर उधर में कचरा फैला देते हैं, फिर गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है इसमें। सही बात, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। ये कचरा देखिए, ये ड्रेन है, ये ड्रेन है, पर कचरा तो पूरा भरा पड़ा हुआ है इसमें, वो भी कचरा देख सकते हैं आप, पूरा प्लेट्स है, पानी ब्लॉक हो रहा है यहाँ, आप जैसे कि देख सकते हैं पूरा ड्रेनेज का पानी ब्लॉक हो रहा है यहाँ धीरे धीरे, और जैसे ही ये सामान ये कचरा और भी बढ़ता जाएगा ये ड्रेन फुल्ली ब्लॉक हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ में फिर से रास्ते में पानी आना शुरू हो जाएगा, और फिर हम कहेंगे गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, पर ये गवर्नमेंट नहीं, ये हम है जो गंदगी फैला रहे हैं, ये हम है जो यहाँ में गंदगी फेंक रहे हैं। हमें समझना होगा कि ये गंदगी गवर्नमेंट ने नहीं फैलाया है, ये हमने फैलाया है, हमने। तो आप साफ रहेंगे तो हम भी साफ रहेंगे, सबको साफ रहना है। इसलिए Thank you.